हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड साइंस वालों का मैथ्स। मैथ्स 1 के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है उसका एक्सरसाइज 2.2 हमारा शुरू था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड करने वाले हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारा देख लिया था, तो चलो इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 11th के बाकी के चैप्टर सब कंप्लीट करके रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सब कुछ सीख सकते हो। इतना ही नहीं, 12th का भी पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 11th वाला कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज इन बिटवीन पाई एंड 3π/4। टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 कर देते इसको। फाइंड 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा, यानी 4 टाइम्स cosec थीटा में 5 टाइम cos थीटा को प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्चुअल में हमें cosec थीटा और cos थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी और उसके अंदर रख देंगे तो आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो हमें cot थीटा दिया हुआ है 3/4 और जो थीटा है वो क्या दिया है, वो पाई और 3π/2 के बीच में है। थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इस तरह से ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये पाई होता है और ये होता है 3π/2 और ये अगेन 2π होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो थीटा है वो पाई और 3π/2 के बीच में है। पाई और 3π/2 मतलब ये रहा, देखो पाई और 3π/2 के बीच में है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं तो आपको याद है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, टी, टी फॉर क्या होता है, टैन एंड कॉट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। तो ये बातें याद रखनी है, मैंने पार्ट 1 में भी पूरा अच्छे से समझाया हुआ था आपको। अब कैसे करना है, देखो cot थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है, इसका यूज करेंगे और cosec थीटा और cos थीटा निकालेंगे, लेकिन ये जो थीटा का रेंज दिया है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको ध्यान में रखेंगे कि tan और cot प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में आएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में t दिया है, t यानी tan और उसका भाई cot। अब देखो कैसे करेंगे, cot थीटा cosec निकालता हूँ, सो वी हैव आइडेंटिटी, वी हैव फॉर्मूला, आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या था, 1 cot² θ = cosec² θ, ये फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला क्यों, क्योंकि मुझे cot पता है ना, तो cot से रिलेटेड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर tan निकालना होता तो इसका रेसिप्रोकल कर दे, cot थीटा 3/4, तो tan कैसे आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। tan की ज़रूरत अभी नहीं है मुझे, ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर सकते हैं, बट फिलहाल cot दिया हुआ है, cosec और cos निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो 1 + cot की वैल्यू है 3/4 एंड इट्स स्क्वायर cosec² θ। सो 1 + 3² क्या होता है 9, 4² = 16 cosec² θ, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 × 1 = 16 + 9 = 25/16 = cosec² θ। स्क्वायर को इस तरफ लाए तो स्क्वायर रूट कैसे आएगा, देखो 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या है cosec थीटा, तो cosec थीटा की दो दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। तो कैसे करना पड़ेगा, प्लस लू कि माइनस, उसके लिए ये डिसाइड करेगा। देखो थीटा कहाँ पर है, पाई और 3π/2 के बीच में, तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस थीटा बिलोंग्स, थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2 ऐसे, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहा देखो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टी होता है, टी फॉर टेन एंड कोट पॉजिटिव, ये cosec थीटा है, देयरफॉर cosec थीटा आ गया हमारा -5/4। क्यों माइनस लिया, क्योंकि थीटा निगेटिव होगा, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा नहीं, ये जो टेन और कोट पॉजिटिव होगा cosec थीटा निगेटिव होगा, टेन कोट को छोड़ के सारे निगेटिव। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान रखना चाहिए जो मैंने यहाँ पर बताया है। क्या क्या निकालना था, cosec और cos चाहिए, कोसेक आ चुका है, अब कॉस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कोसेक का रेसिप्रोकल करो साइन आएगा, और साइन आ गया तो पहला जो आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उससे कॉस आ जाएगा। या तो दूसरा भी तरीका है, कोसेक से साइन निकालो रेसिप्रोकल करके, साइन थीटा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा -4/5 हो गया, इससे आ गया कोसेक से। अभी देखो कॉट पता है, इसका रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा, टेन थीटा कैसे आएगा, 3/4 का उल्टा, रेसिप्रोकल 4/3। सो अगर मुझे tan और sin पता है तो cos सीधे आ सकता है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला देखो tan का होता है, वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा / cos थीटा,
ये ऐसे होता है। तो अभी मुझे क्या निकालना है, कॉस, ये टेन और साइन पता है, टेन और साइन पता है, तो कॉस को यहाँ लाओ, टेन को यहाँ ले जाओ, कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा कहाँ पर है, देखो साइन थीटा है माइनस फोर अपॉन फाइव, माइनस फोर अपॉन फाइव अपॉन टेन थीटा क्या है, देखो यहाँ से टेन थीटा है फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री, ये टेन थीटा है, माइनस फोर अपॉन फाइव और फोर अपॉन थ्री। अभी देखो टेन पॉजिटिव लिया मैंने, टेन क्यों पॉजिटिव लिया, थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन निगेटिव है क्योंकि थर्ड में साइन निगेटिव है। अब कॉस की बात करते हैं, जो थर्ड है थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी कॉस निगेटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि खाली टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव इन टू, ये फोर अपॉन थ्री उल्टा हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर कैंसल होके कॉस थीटा आ चुका है माइनस थ्री अपॉन फाइव, निगेटिव आया थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस आ गया और कोसेक आ गया। अब क्या निकालना था, देखो ये नाउ कंसिडर करो जो क्वेश्चन था, फोर कोसेक थीटा, फोर कोसेक थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू फोर टाइम्स, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या थी देखो माइनस फाइव बाई फोर, माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके प्लस फाइव इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है माइनस थ्री बाई फाइव, इस तरह से। अब देखो फोर से फोर कैंसिल, तो ये माइनस फाइव आया, फाइव से फाइव कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस थ्री आया, सो माइनस फाइव माइनस थ्री क्या हो गया माइनस एट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके फाइनली क्या करोगे, ये क्वेश्चन लिखना इस तरह से, यहाँ लिख देता हूँ, फोर कोसेक थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एट, इसको आप बॉक्स बना दो इस तरह से, हो गया। बहुत ही आसान है, जैसे आपने टेंथ वगैरह में किया था वैसे ही इलेवेंथ में, सिर्फ ये जो कंसेप्ट याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, याद रखना है। ओके चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ठीक है एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, जब भी इस तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ओके और सपोज कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन इस तरह से, सो इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई एक्सिस के जो प्लेन में पॉइंट्स होते हैं उनका, ये जो पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट, क्या होता है जरा बेसिक बता रहा हूँ समझो, कि जो पॉइंट है सपोज ए पॉइंट है, इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिला दो, इस ओरिजिन से जैसे ही मिलाते हो तो क्या होता है, ये जो लाइन बन गई ओ ए वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, उसको हम थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं थीटा, और इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आर। अब जब भी हम किसी भी पॉइंट को, इस पॉइंट को एक्स वन वाई वन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और जब भी किसी पॉइंट को आर और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से तो उसको हम बोलेंगे पोलार कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे पोलार कोऑर्डिनेट, बस यही होता है। अब समझो ये आर और थीटा दिया हुआ है, पोलार कोऑर्डिनेट दिया हुआ, हुज पोलार कोऑर्डिनेट आर, आर कॉमा थीटा दिया है, लाना क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वन वाई वन लाना है। कैसे करेंगे, तो ये आर की वैल्यू कंपेयर करो थ्री है एंड थीटा की वैल्यू नाइन्टी है, ओके नाइन्टी डिग्री है, डिग्री में दिया है, रेडियन दिया होता तो रेडियन में करते, डिग्री दिया तो डिग्री में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला होता है, वी हैव क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये भी कैसे होता है आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया नहीं तो फिर भी देख लो, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पर, इसका लेंथ एक्स होगा, ये जो है वाई को पैरेलल है इसका लेंथ वाई होगा, ओके अगर मैं इस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा होता है कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस, ये 90 डिग्री है ना राइट एंगल ट्राइंगल, इसका कॉस निकालेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस यानी एक्स अपॉन आर आएगा, इसका साइन थीटा करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस वाई अपॉन आर, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा और वाई हो जाएगा आर साइन थीटा, वही लिखा है मैंने, तो ये सब करके दिखाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना। अब x की वैल्यू पता नहीं है बट r पता है, r 3 है, cos थीटा कितना, थीटा 90 है cos 90, y इज इक्वल टू आर अगेन 3 एंड sin थीटा कितना है 90 है, डिग्री में है। अब इसकी वैल्यूज आपको पता है
कॉस 90 और साइन 90 आपको पता होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू 3, कॉस 90 क्या होता है देखो 0 होता है एंड वाई इज इक्वल टू 3, साइन 90 1 होता है। सो एक्स क्या आ गया 3 इंटू 0 0, वाई क्या आ गया 3 इंटू 1 3। देयरफॉर जो पॉइंट है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर ऑफ पॉइंट इज लिख सकते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो पॉइंट आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है तो एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला एक्स है 0 दूसरा है 3। ओके तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया, ये पोलार कोऑर्डिनेट था, 3.90 पोलार था, आर कॉमा थीटा यहाँ लिख के दिया था कि पोलार कोऑर्डिनेट, उसको हमने कार्टेशियन में से बदला। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये जो आर और थीटा इसकी वैल्यू यहाँ रख दो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाता है, एक एक्स का आंसर मिलेगा एक वाई का, इनको ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्या था करने की जरूरत है नहीं, ये समझाने के लिए था, ऑलरेडी पहले आपने देखा हुआ है, फिर भी नहीं मालूम तो फिर देख लो। ओके तो इस तरह से होता है। इसमें और एक क्वेश्चन है देखो सेकेंड वाला 1.180, इसको कैसे किया जाए, इसको करने के लिए फिर से इसको आर कॉमा थीटा से कंपेयर करो। सो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड थीटा की वैल्यू मिल गई 180 डिग्री। सो कैसे करोगे, आर इज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वी हैव एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसे ही करना, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर और थीटा की वैल्यू रख दो, आर कितना है 1 इंटू कॉस, थीटा है 180, फिर वाई इज इक्वल टू आर है 1 इंटू साइन, थीटा है 180 डिग्री। ओके सो एक्स कितना आ गया 1, कॉस 180 माइनस 1 होता है, आपको टेबल याद होना चाहिए, कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है टेबल से, एंड वाई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 180, तो साइन 180 0 होता है, 0 इंटू 1 0, तो 1 इंटू 0 ऐसे कर सकते हैं। इसको आप हटा देते हैं, कल के लेक्चर में मैंने 90 तक बताया था, आपको 180 तक टेबल याद रखना चाहिए, बेसिक में मैंने बताया हुआ है 180 में कॉस 180 माइनस 1 होता है और साइन 180 0, याद करके रखो टेबल के अंदर। एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0। सो आपको एक्स और वाई की दो वैल्यू मिल गई, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू माइनस 1.0। सो फाइनली आप लिखोगे देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, इस तरह से क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, माइनस 1.0 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, ऐसे लिख देना, आ गया ये। ओके ये पोलार कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन, चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वहां पर 12 के बाद सीधा 15 दिया, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 होना चाहिए, करेक्शन है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 12 के बाद 13 होना चाहिए ना, 15 दिया है, ठीक है याद रखो, मैं क्वेश्चन नंबर 15 जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो करा रहा हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड पोलार कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, यानी जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट ये कार्टेशियन है, मतलब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू दी है, और पोलार कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब क्या, आर कॉमा थीटा निकालना है, आर और थीटा निकालना है। कैसे किया जाए, चार सब क्वेश्चन है, सबके सब एक जैसे ही है, एक बताता हूँ सब आ जाएगा। देखो ये x की वैल्यू यहाँ पर 5 है एंड जो दूसरा y है उसकी भी वैल्यू 5 है, x और y की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना चाहिए, r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है इस तरह से आपने देखा था, ये r होता है ओरिजिन से, ये ओरिजिन, ये पॉइंट a, ये x एक्सिस है, सो ये r होता है, ये x और ये y, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, टेढ़ा लाइन हो गया, चलो 90, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस तरफ गया तो स्क्वायर रूट, ये देख चुके हो आप बेसिक में। अब आगे देखो कैसे करना चाहिए, हमेशा r निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखो, सो r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, x इज हाउ मच 5 स्क्वायर, वाई 5 स्क्वायर, कितना आ जाएगा r 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 25, सो r इज इक्वल टू रूट 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 25 और r आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ गया और रूट 2 बच गया, सो हमको r मिल गया। अब थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, डायरेक्ट फार्मूला, जैसे कि ये थीटा होता है, थीटा tan थीटा करोगे तो y अपॉन x आता है, या तो sin थीटा भी कर सकते हो, sin थीटा क्या था, साइन थीटा था वाई अपॉन आर,
या तो कॉस थीटा भी कर सकते हो, एक्स अपॉन आर कुछ भी ले लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तीनों फॉर्मूला चलेगा। सो बेसिकली टैन थीटा लेना चाहिए, टैन थीटा वाई अपॉन एक्स। अब वाई कितना है देखो, वाई वाई फाइव है, वाई फाइव और एक्स भी फाइव है, सो फाइव अपॉन फाइव। सो टैन थीटा आ गया फाइव अपॉन फाइव वन। अब हमें आर कॉमा थीटा निकालना है, यहाँ पर कर दे, टैन थीटा वन आ रहा है, तो टैन थीटा वन कब होता है, जब टैन 45 डिग्री होता है, या तो पाई बाई फोर रेडियन बोल सकते हैं। सो थीटा दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा आ गया 45 डिग्री या तो पाई बाई फोर रेडियन। थीटा आ चुका है, अभी थीटा हमने डिग्री में लिखा, इसको रेडियन में लिखना होता तो हम थीटा को पाई बाई फोर रेडियन लिख सकते हैं, ओके। और एक्चुअल में हमें क्या करने बोला गया है कि पोलार कोऑर्डिनेट, तो आप यहाँ लिखोगे पोलार कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर, क्या आ जाएगा आर कॉमा थीटा, दैट इज आर कितना है, आर है फाइव रूट टू कॉमा 45 डिग्री। अब डिग्री में लिखना है तो ऐसे लिखो, या तो 45 डिग्री की जगह पाई बाई फोर लिखो, रेडियन लिखना, दोनों भी लिखोगे तो चलेगा, मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कट जाएगा। हाँ, हमें इलेवेंथ में रेडियन में ही लिखना चाहिए सब कुछ, तो यहाँ रेडियन लिखते हो तो चलेगा, लेकिन डिग्री लिख दिया तो भी मार्क्स मिलेगा। सो चलो, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 15, यानी एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर मैच करोगे तो वहाँ पर 13 नंबर ही दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट हो गया। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड को देख लो, यहाँ पर कैसे दिया है, सेकेंड वन कॉमा रूट थ्री। तो एक्चुअल में ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू वन है, एक्स इज वन, एंड वाई जो वैल्यू है वो रूट थ्री है। सो फटाफट देख लो आर कैसे निकालोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रूट एक्स स्क्वायर, एक्स वन है वन स्क्वायर, प्लस वाई है रूट थ्री स्क्वायर। सो रूट वन स्क्वायर वन है, रूट थ्री स्क्वायर थ्री है, सो रूट फोर, फोर का स्क्वायर रूट क्या हो गया टू। सो आर की वैल्यू टू आ गई। अभी टैन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। सो वाई क्या है देखो, रूट थ्री, और एक्स है वन, तो रूट थ्री अपॉन वन। सो टैन थीटा आ गया रूट थ्री अपॉन वन रूट थ्री, पर टैन थीटा की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, जब टैन 60 डिग्री होता है, तो 60 लिखो या पाई बाई थ्री लिखो, चलेगा दोनों में से। सो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री, ओके। सो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री रेडियन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी एक लिखो चलेगा। अभी यहाँ पर आपको लिखना था पोलार कोऑर्डिनेट, पोलार कोऑर्डिनेट्स आर, पोलार कोऑर्डिनेट्स आर क्या आ जाएगा, आर कॉमा थीटा। सो आर, आर क्या आया है टू, टू कॉमा थीटा 60 लिखो या पाई बाई थ्री, मैं चलो यहाँ पाई बाई थ्री लिख के दिखाता हूँ, रेडियन ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों पे भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर फर्स्ट और सेकेंड हो चुका है। चलो अभी इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर ही जो मेन क्वेश्चन नंबर 13 है उसके अंदर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी है, यहाँ माइनस में दिया है। इसके पहले दोनों क्वेश्चन जो थे पॉजिटिव थे, दोनों प्लस प्लस में थे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, इसलिए कोई इशू नहीं हुआ। वहाँ पर भी एक लाइन लिखना रह गया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, या द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखो वो लिखना था, लिख देना, ओके। अभी यहाँ पर ये माइनस है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, निगेटिव है, सेकेंड थर्ड या फोर्थ में होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखो, ये पोलार कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, मतलब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू दी हुई है। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है माइनस वन, एंड जो वाई है उसकी वैल्यू भी है माइनस वन। सो एक्स और वाई की वैल्यू आपने लिख दिया, हमेशा की तरह आपको आर निकालना होगा और थीटा निकालना होगा पोलार कोऑर्डिनेट के लिए। सो वी हैव, ऐसे हमेशा लिखना चाहिए जब भी कोई फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रूट माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, दोनों माइनस वन है एक्स और वाई। सो आर इज इक्वल टू रूट माइनस वन स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन। सो आर क्या आ गया, आर इज इक्वल टू रूट वन प्लस वन टू आ गया। सो आपको यहाँ पर आर की वैल्यू मिल चुकी है, एकदम ध्यान से देखिए, आर मिल चुका है। नाउ वी विल गो फॉर थीटा, ऑल्सो वी हैव टैन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सो वाई, वाई क्या है, वाई और एक्स दोनों माइनस वन है, माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें क्या मिल गया, टैन थीटा मिल गया वन। अब टैन थीटा वन कब होता है, देखो टैन थीटा टैन 45 होगा, टैन पाई बाई फोर हम लिख दें, रेडियन में ही लिखने की कोशिश करो, डिग्री अगर लिखोगे तो चलेगा बट रेडियन ही ट्राई करो। तो ये होता है, अभी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई फोर 45 डिग्री। लेकिन ये जो पॉइंट है माइनस माइनस, तो इसको जरा ध्यान से देखो, कोई भी पॉइंट होता है,
क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस। इससे हम पता करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है। माइनस वन कॉमा माइनस वन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो थर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस पॉइंट लाइज इन, पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो आपको पता ही है ये पाई होता है, ये जीरो से शुरू होता है, पाई बाई टू पाई, और ये टू पाई। तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी थर्ड क्वाड्रेंट लेना है तो पाई के बाद क्या होता है, पाई प्लस थीटा हम लेते हैं, और यहाँ पर करना है तो हम क्या लेंगे, पाई माइनस थीटा करते हैं, याद रखना। फोर्थ में लेना होगा तो हम क्या करते हैं, टू पाई माइनस थीटा। ये कुछ चीज़ें फिक्स है जो याद रखनी चाहिए। अब ये जो टैन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, और ये टैन पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या लूँगा, पाई प्लस थीटा, तो ये चेंज करूँगा मैं, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन, इसको करूँगा टैन, इसको करूँगा पाई प्लस पाई बाई फोर, पाई प्लस थीटा होता है, ये थीटा है। अब यहाँ टेन पाई प्लस आया, अब इस पाई को हटाओगे तो टेन का वापस टेन आ जाएगा, और ये पाई बाई फोर, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो प्लस का प्लस रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं किया था आपने फर्स्ट और सेकंड में, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, वहाँ लिख देना, मेरा लिखना रह गया था, दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जो आया था वो आंसर था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फोर इंटू पाई, फोर पाई प्लस वन पाई, फाइव पाई अपॉन फोर, कंपेयर करोगे दोनों साइड को तो थीटा क्या आ गया, फाइव पाई अपॉन फोर थीटा आ गया, आर क्या आया, ये रूट टू। सो हम लिखेंगे पोलार कोऑर्डिनेट्स आर, पोलार कोऑर्डिनेट्स आर, आर कॉमा थीटा होता है, आर कितना है, रूट टू कॉमा थीटा क्या है, फाइव पाई अपॉन फोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर थीटा और पाई बाई फोर कंपेयर करके सीधा लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, और यहाँ आ जाएगा रूट टू और पाई बाई फोर, फाई नहीं आएगा। क्यों आ रहा है फाई, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी करना। अब यहाँ पर देखो और अच्छे से समझने के लिए एक और देख लो इसको, तो और अच्छे से समझेगा। ये दिया हुआ है फोर्थ, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है माइनस ऑफ रूट थ्री कॉमा वन, क्वेश्चन क्या है देखो, फोर्थ वाला है माइनस रूट थ्री वन, इसको कंपेयर करोगे एक्स कॉमा वाई से, सो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस ऑफ रूट थ्री, एंड वाई वैल्यू आ गई वन, एक्स और वाई दो वैल्यू आपको मिल गई है एक्स और वाई की। अब आर निकाल लो, आर का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला वगैरह लिख के अच्छे से करो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आर इज इक्वल टू रूट एक्स एक्स स्क्वायर यानी माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी वन स्क्वायर। सो आर मुझे मिल गया माइनस का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, थ्री प्लस वन सो रूट फोर, सो आर आ गया फोर का स्क्वायर रूट टू। ओके, अब ये आर डिस्टेंस है, इसको पॉजिटिव रखना टू। ओके, अभी आर आ गया तो थीटा, थीटा के लिए क्या फॉर्मूला था, ऑल्सो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कितना था वन, एक्स है माइनस ऑफ रूट थ्री, अब टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, टेन थीटा में कब होता है याद करो, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। ओके, तो ये हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री के लिए, टेन थर्टी यानी पाई बाई सिक्स, आपको टेबल याद होना चाहिए, जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी, वहाँ से मैंने निकाला, माइनस को बाहर ही रखा, वन अपॉन रूट थ्री कब होता है, टेन की वैल्यू जब टेन थर्टी होता है। ओके, अब देखो ये निगेटिव आ गया टेन, अब दोनों को कंपेयर कैसे करूँ, थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स है, नहीं, यहाँ पर पॉइंट देखो, पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हमने क्या देखा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा लाइज इन, या तो लिखेंगे द पॉइंट लाइज इन, या तो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सेकेंड है, सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, इसलिए देखो ये टेन माइनस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या सिखाया, पाई माइनस थीटा लेना चाहिए हमेशा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा पाई प्लस थीटा लेना चाहिए, बेसिक में आपने सीखा था, बहुत आसान लगेगा इसलिए। तो यहाँ पर टेन थीटा को टेन थीटा रखो, और ये जो टेन था माइनस हटा देंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन निगेटिव है,
और पाई माइनस थीटा ले लो टेन के बाद, पाई माइनस थीटा मतलब यही पाई बाई सिक्स, ये माइनस कहाँ गया, हट गया, क्यों, जब उल्टा करोगे इस पाई को हटाओगे तो ये टेन का टेन आएगा, पाई बाई सिक्स आएगा, और ये पाई माइनस है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक माइनस आएगा, तो जब उल्टा करोगे तो एक माइनस आ जाएगा, और जब सीधा कर रहे तो ऐसे। अब सिंप्लीफाई करो, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्स इंटू पाई, सिक्स पाई माइनस वन पाई, फाइव पाई अपॉन सिक्स, कंपेयर करो दोनों को, देयरफॉर थीटा मिल गया फाइव पाई अपॉन सिक्स, थीटा आ चुका है और यहाँ आर आ चुका है, देयरफॉर पोलार कोऑर्डिनेट्स आर, पोलार कोऑर्डिनेट्स आर अच्छे से रिप्रेजेंट करो, क्या है टू कॉमा टू कॉमा फाइव पाई अपॉन सिक्स हो गया, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें थर्ड और फोर्थ हो चुका है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 13 की जगह 15 लिखा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 13 है, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में ये दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से पोलार कोऑर्डिनेट भी करना है तो कर लोगे क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कर लोगे, काफ़ी आसान है, कॉपी करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो 14th वाला, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, अभी जो कंसेप्ट हम देख रहे थे उसी कंसेप्ट पे करेंगे, साइन 19 पाई अपॉन 3, तो कितना है ये एक्चुअल में, अगर आपको देखना है तो इस पाई की वैल्यू निकाल सकते हो, 19 पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 19 इंटू पाई 180 होता है अपॉन 3 है, सो ये 3 सिक्स हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 19 जीरो 54 5 आया 11 40 है, सो एक्चुअल में ये 1140 है, ओके सो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 360 इसको हम 2 पाई बोलते हैं, अगर समझो इसका डबल किया तो 720, ट्रिपल किया तो ये 4 पाई हुआ डबल, ट्रिपल किया तो 6 पाई और 360 ऐड हो जाएगा तो 1080, तो ये क्या है देखो, अगर आप करोगे तो 1080 प्लस ये 60 कर देंगे तो आ जाएगा ना 1080 प्लस 60, तो ये क्या हो गया 6 पाई, ये हो गया 6 पाई प्लस 60 मतलब पाई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 6 जा 18, 18 पाई प्लस 1 पाई 19 पाई अपॉन 3 आया, बट इतना करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे 19 पाई अपॉन 3 है इसको पाई में ही कन्वर्ट करना है, तो ऐसे करो 3 से अगर इसको कैंसिल करते हो क्या 3 6 जा 18 आता है, तो 3 6 जा 18 और फिर एक बचता है यानी 6 पाई प्लस 1 पाई है ना, अभी यहाँ पर क्या करो इसको अपॉन 3 कर दो, ओके तो ये देखो 3 6 जा 18 पाई प्लस 1 19 पाई, इसको स्प्लिट करने बोल रहा हूँ मैं आपको, या तो दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे कर सकते हो साइन 19 पाई 3 का मल्टीपल क्या है 18 होता है ना 3 के टेबल में, इसको ऐसे लिख दो 18 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 3, अभी वो रेडियन नहीं लिखेंगे चलेगा, इसका मतलब रेडियन ही है, हर बार रेडियन दिखाने की जरूरत नहीं, फिर साइन जो 3 है दोनों के नीचे दो 3 यहाँ पर आया 18 अपॉन 3 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे करो या ऐसे करो जैसे भी करो इस तरह से लाना है 6 पाई प्लस पाई बाई 3 आना चाहिए। अब आगे क्या है हमको फाइंड द वैल्यू करना है, सो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 6 पाई मतलब देखो यहाँ पर 1080 होता है 6 पाई है चलेगा, अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि 6 पाई प्लस जब भी देखो पाई या पाई का मल्टीपल कुछ भी आए एन पाई एन मतलब क्या 1 2 3 4 5 कुछ भी आए इसको हटाओगे जब भी पाई है तो साइन का साइन रह जाएगा और ये हट जाएगा और पाई अपॉन 3 जो है वो आ जाएगा, अगर समझो यहाँ पर ये रहता है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 या एन पाई बाई 2 ऐसा कुछ है तब यहाँ पर समझो ऐसे है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब ये पाई बाई 2 को जब हटाते हैं ना तो साइन का कॉस हो जाता है कॉस और थीटा पाई बाई 2 हटेगा, लेकिन ओनली पाई है या पाई का मल्टीपल है पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई तो वो हटेगा तो यहाँ जो है वही आता है और ये आता है, और साथ में हमें कोऑर्डिनेट चेक करना क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है वो प्लस आएगा कि माइनस, तो देखो अभी 6 पाई है 6 पाई ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये वाला ऑल स्टूडेंट टेक ऑफ ये इतने याद होना चाहिए, 6 पाई कहाँ आता है देखो 6 पाई प्लस कहाँ आएगा तो देखो ये 0 होता है ये पाई होता है फिर ये 0 से पाई और एक बार घुमा तो कितना हुआ 2 पाई कितना हुआ 2 पाई अब ये कितना है 6 पाई तो ये वापस घूमेगा 4 पाई हो गया डबल हो गया 2 पाई का डबल 4 पाई ये वापस घूमेगा कितना हो गया 6 पाई हो गया अब 6 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 60 तो ये यहाँ पर कहीं पर आएगा 60 यहाँ 0 है ना 0 से 60 यहाँ सो एक्चुअल में कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, ए मतलब ऑल, ऑल मतलब सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव, तो साइन 60 है, साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 होता है, तो आपको वैल्यू मिल गया है। बहुत आसान, बट यहाँ से एनालाइज करना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर भी देखो कॉस 1140 है, सो इसको अगर नियर बाय अगर देखते, यहाँ से था ये भी वही था, सो 1080 के करीब होता है। 1080 ही क्यों ले रहे हैं, आपको हमेशा 360 का मल्टीपल लेना चाहिए, या 180 का, 180 360 का डबल 720, 360 का ट्रिपल 1080, सो एक्चुअल में ये 6 पाई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस, इसको लिख सकते हैं कि 360 इंटू 3, 360 का 3 गुना है वो। ओके, अगर आप करोगे तो 300, 36 18, 1 आया, 33 9 110 आ रहा है ना, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 360 है, तो क्या होगा अगर इसको अगर आप करना चाहते हो तो इज इक्वल टू, ये रफ वर्क हटा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ करते हैं इसको, ये डायग्राम नहीं मिटाना है मुझे, इज इक्वल टू, तो ये कॉस कॉस, अब ये 360 का मल्टीपल ये हट जाएगा, सिर्फ 60 आ जाएगा, इसको चाहिए तो पाई के टर्म में रख के करो या ऐसे भी करो, ये 360 और ये सब जो हटता है, 360 रहे या उसका कितना भी गुना रहे वो हट जाएगा, कॉस का कॉस होगा, कॉस का साइन नहीं होगा क्योंकि इधर अपॉन टू नहीं है, पाई अपॉन टू 60 आया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में वो चेक करो, फिर से देखो ये 360 तीन बार है, तो पहले एक राउंड मारा तो 360, फिर दूसरा राउंड मारा तो 360, तीसरा राउंड मारा 360, उसके बाद 60 है, यानी एक्चुअल में ये दोनों एंगल है सेम, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस 60 क्या हो गया 1/2। ओके, अगर और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि गिवन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा लिखना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और यही यहाँ पर भी लिखना चाहिए और यहाँ पर भी, दोनों के लिए, और आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं दिया, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। अभी तीसरा देख लो, 25π/3, जैसे मैंने सिखाया ना पाई वाला, ये ऐसे स्प्लिट करने की कोशिश करो, तो 25π/3 है ना, तो देखो 25 के नियर अबाउट कौन होता है जो 3 से डिवाइड होता है, तो 24, तो इसको ऐसे करो 24π+1π/3, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉट 24π/3, 3 को दोनों के नीचे लिखो, 3 से कट करोगे, सो 3 8 24, 8π+π/3 ये हो गया रेडियन में। ओके, अभी 8π+π/3 आया, तो ये पाई का मल्टीपल है, ये हटाओगे तो कॉट का क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगले स्टेप में लिखते यहीं पर लिखना पड़ेगा। ओके, अगले स्टेप में ये 8π का मल्टीपल है, सो ये कॉट का कॉट आएगा, चेंज नहीं होगा, अगर पाई बाई 2 होता तो कॉट का 10 हो जाता, और पाई बाई 3 आ गया। अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में 8π, तो देखो पहला राउंड मारा तो 2π, दूसरे राउंड में 4π, तीसरे राउंड में 6π, लेकिन 8π है तो और एक राउंड मारेगा इसे, अब 8π हो गया, और 8π+60 यानी वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया, तो आप यहाँ लिखोगे गिवन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में है तो इसलिए पॉजिटिव है, प्लस लिखा नहीं तो माइनस देना पड़ता, यहाँ सेकेंड में आता तो कॉट माइनस हो जाता है, कॉट 60 क्या होगा देखो, याद करो अभी यहाँ पर कॉट 60 के लिए अगर आपको याद नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हो, कॉट 60 पाई बाई 3 मतलब 60 होता है, कॉस 60 अपॉन साइन 60, समझ के कर सकते हो रफ में, याद नहीं है तो ट्रिक बता रहा हूँ, कॉस 60 क्या होता है 1/2, साइन 60 क्या होता है रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 है, मतलब ये 1/√3 है, अगर वैल्यूज नहीं याद है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं ना आप, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू याद रखो। तो ये आ चुका है यहाँ पर, ये पूरा रफ वर्क था, ये हटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये हटा दिया हमने, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ से, ये सेकेंड क्वेश्चन था, इसके बाद ये था, और ये भी लिखना था रीज़न, और ये थर्ड क्वेश्चन था, वैल्यू जिस तरह से फाइंड करनी है, सबके सब प्लस में आए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ में आता तो जैसे ये कॉट है, सेकेंड में आता तो कॉट नेगेटिव होता है, सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, ये कॉस है, अगर ये सेकेंड में आता तो नेगेटिव होता, थर्ड में भी नेगेटिव होता, फोर्थ में पॉजिटिव होता, पहले में तो सब पॉजिटिव थे, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसलिए सब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हो गया, यहाँ पर इसको कॉपी कर लो।
स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसमें अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने पिछले फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं बेसिकली पार्ट वन के, वो सब याद रखो। इस चैप्टर का जो पार्ट वन वीडियो था उसकी बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वन लेक्चर नंबर वन। बेसिक अगर आपको आएगा तो आप प्रूफ कर लोगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ट्रिगो के प्रूफ बहुत हार्ड लगते हैं। अगर आप चाहते हो एक्सपर्ट बनना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th का। आगे चल के अभी थर्ड चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री 2, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है। और फिर 12th में तो ये ट्रिगो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलस पार्ट मैथ्स 2 कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से करना है, प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 आज हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें 12 क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपके लिए बता दूं, मैंने चैप्टर नंबर 3, 4, 5 सब पढ़ा के रखा है 11th का। 12th का जो इस साल नया सिलेबस है वो भी हमारा चैनल पर कंप्लीट है। सो आप 11th के साथ 12th की स्टडी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आने वाले साल में आपको बहुत फायदा होने वाला अगर आप इस चैनल से जुड़े तो। अपने दोस्तों में स्प्रेड करो इन चीज़ों को, उनको भी बताओ, उनको पता नहीं है कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।